मध्य प्रदेश के नीमच जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा से करीब 2000 की आबादी वाले गांव सहित आसपास के आंतरिक क्षेत्र के हजारों ग्रामीणजन आज भी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लाखों रुपए से बने स्वास्थ्य विभाग की नई बिल्डिंग आज एक स्टैच्यू बनकर रह गई और डॉक्टर सहित स्टाफ को पुराने जर्जर भवन में ड्यूटी करने को मजबूर है। इसे जिम्मेदारों की उदासीनता कहें या एक बड़ी लापरवाही। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश नीमच जिले एवं तहसील के अंतर्गत ग्राम बौरदिया कला के ग्रामीणजनों द्वारा हमारे संवाददाता रवि पोरवाल को जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे यहां करीब 5 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी। इसी बीच ठेकेदार द्वारा 2 वर्ष पूर्व काम बंद करके चले गए और आज तक पूरी बिल्डिंग सूनी पड़ी है और स्वास्थ्य विभाग के लोग पुराने जर्जर भवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी दौरान देर रात यदि किसी की तबीयत खराब हो तो गांव से 30 किलोमीटर दूर जिले में जाकर इलाज करवाना पड़ता है। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दें और न्यू बिल्डिंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करवाएं। स्वास्थ्य विभाग तो यहाँ स्टाफ तो है, बाकी बिल्डिंग बन भी गई है, इसका काम कुछ बाकी है। वो काम बहुत 6-7-8 साल से बाकी है, अब ये अधूरा काम है, इसलिए सब इस छोटे से कमरे में बैठे हुए पूरे स्टाफ। ठेकेदार ने बंद कर दिया काम तो कारण तो वही जाने ठेकेदार, 7 गाँव लगते हैं सर। यहाँ 2500 की आबादी है, बिल्कुल बोर्डिया कला की है। यहाँ कुछ भी बीमार होने पर यहाँ पे जो अगर ये बिल्डिंग चालू नहीं होती तो फिर असुविधा हो रही है लोगों को, फिर नीमच जाना पड़ रहा है। कितनी दूर उपचार के लिए जाना? 30 किलोमीटर दूर पड़ता है नीमच। एक्चुअली वो ठेकेदार बीच में ही काम छोड़ के चला गया, जिसके कारण यहाँ के गाँव के लोगों को थोड़ी तकलीफ आती है, क्योंकि ANC महिलाएं हैं उनको दिक्कत ज़्यादा आती है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। कितने समय से बिल्डिंग के लिए वहाँ नीमच या पाथौड़ा जाना पड़ता है? कितने समय से? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। कुछ अधिकारियों को बता दिया गया है इसके बारे में, उन लोगों ने भी आगे कलेक्टर को भी चीज बोल दी कि बिल्डिंग स्टार्ट करवा दीजिए। बिल्डिंग स्टार्ट कितने समय से बनके रेडी पड़ी और कब से स्टार्ट नहीं हुई? 2 साल से ऐसी ही है। मंदसौर से रवि परवाल की रिपोर्ट।